अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से अधिकांश स्थानों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन सब में उज्जैन रोड पर शहर के मध्य स्थित श्री राज शांति ग्रीन्स कॉलोनी भी है, जहां जलजमाव की स्थिति तो दूर, जल को ठहरने वाले स्थानों तक पानी जमा नहीं हो सका है। कॉलोनी डेवलपर सनशाइन ग्रुप के अनुसार कॉलोनी के निर्माण के दौरान समतलीकरण और पानी निकासी के लिए हर सार्थक प्रयास किए, जिसकी टेस्टिंग इस बारिश में सफल हुई। श्री राज शांति ग्रीन्स के परिसर में निर्मित मनमोहक कलाकृतियां और उनकी पेंटिंग भी प्रभावित हो सकती थी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्यों की बदौलत अत्यधिक बारिश होने के बाद भी किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई है। यही कारण है कि कॉलोनी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। श्री राज शांति ग्रीन्स में अपने भूखंड भर भवन निर्माण कर रहे श्री प्रवीण कुमार ने भी कॉलोनी के मजबूत डेवलपमेंट की सराहना करते हुए अपनी भावनाओं और अनुभव इस परिसर का हिस्सा होने पर गौरवान्वित होते हुए साझा किया। आप सही बोल रहे हैं, लास्ट ईयर मुझे सुनने में जरूर मिला था जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू हो रहा था कि यहाँ पे पानी की जमाव के इशू कुछ हो गया था, और पीछे शायद वो कुछ नाला करके निकलता तो कहीं तो जाम चौक कुछ हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ इशू आया था। बट दिस टाइम मैं ये कहीं फील नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं डेली आ रहा हूँ यहाँ पे, और खूब अभी लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है, काम भी चल रहा है लगातार, पर कोई ऐसा इशू 1% भी मतलब फील नहीं हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कत, और बराबर से पानी मतलब जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। श्री राज शांति ग्रीन्स की सफलता के साथ ही सनशाइन ग्रुप अति शीघ्र श्री राधेश्याम प्राइम का भव्य शुभारंभ करने जा रहा है, जहां अपनी पूर्व विकसित कॉलोनियों के तर्ज पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है।